ये कहानी है एक ऑर्डिनरी सी दिखने वाली वुमेन की. व्हाट मेड हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाज हर ड्रीम्स. उनकी काबिलियत पे सवालिया निशान बेशक लगा हुआ हो, लेकिन उनकी सोच तक वो कभी नहीं पहुंच पाया. मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की जो कि ना सिर्फ मेरी माँ है बल्कि मेरा इकलौता रोल मॉडल भी है. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने कभी अक्षर या गिनती नहीं सीखे, लेकिन उनकी ये कमी कभी उनकी सक्सेस स्टोरी में स्पीड ब्रेकर नहीं बना. अच्छी बात ये हुई कि शादी के बाद पापा ने उन्हें पढ़ना लिखना सिंपल अल्फाबेट्स सब सिखा दिया. लेकिन इतने पे भी ज़िंदगी ने कभी मुश्किलें देनी नहीं छोड़ी. मेरी मदर ने मेरे पैदा होने से पहले ऑलरेडी दो डॉटर्स को खो दिया था. लकीली आई नाउ हैव अ सिबलिंग, अ यंगर ब्रदर. तो जब सब नॉर्मल भी हो गया ना, तब भी उनके अंदर का वो सपना कुछ करने का, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनने का, वो सुलगता रहा, पनपता रहा. उन्हें फैशन का शौक था और सहारनपुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के इनिशिएटिव से मेरी मदर ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया. एंड सिंस देन शी बिकेम अनस्टॉपेबल. माई फादर हैज़ बिन स्ट्रगलिंग विद मेजर इशूज़ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन शी नेवर गिव अप. फैमिली के बहुत से लोगों ने उन्हें बोला कि आशु को मत पढ़ाओ, इन पे पैसा वेस्ट मत करो, वो एक लड़की है, और हमने भी अपनी बेटियों को पढ़ाया, देखो हमें क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन मेरी मदर ने किसी की नहीं सुनी. शी इज़ नेवर गोन टू स्कूल, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे MBA कराया. आई नो ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है सुनने में, लेकिन जिस तरीके की बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, विच इज़ लाइक अल्ट्रा पुअर फैमिली, वहाँ ये बहुत मायने रखता है. ड्यूरिंग ऑल दिस मेरी मदर कभी कमज़ोर नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी हैं तो उन्होंने कभी हमें नहीं दिखाया कि वो कमज़ोर पड़ी हैं. ऑलमोस्ट 20 to 30 ईयर्स का उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था, एंड वो आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी ज़िंदा दिल है ना कि उनके सामने मेरे एनर्जी लेवल्स फीके लगते हैं. उनके ऑप्टिमिज्म और उनके सपनों का साइज देख के ही शायद मेरे फादर ने उनका नाम शादी के बाद सपना रख दिया था. आई हैव सीन माई मदर टर्न इंटू स्टील वन इट कम्स टू स्ट्रेंथ. I have seen her melt like butter when it comes to empathy. I have seen her love my father unconditionally despite his failing attempts. But never once in her life I have seen her say that I want to quit. No, she never did that. You meet her today, वो आज भी आपको motivate करेंगी to make the most of what you have wherever you are. She will make you laugh so hard कि आपके stomach में सच्ची में दर्द हो जाएगा. And she will love you enough to ignite a fire in your heart so you feel like कि हाँ मैं भी अपने सपनों के लिए उठूँ, काम करूँ और कुछ करके दिखाऊँ. अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए करके दिखाऊँ. And I'm pretty sure आपकी life में भी ऐसा कोई ना कोई motivating, inspiring फीमेल फिगर ज़रूर होगा. हर पर्सन का एक सपना होता है, हर दिल का एक सपना होता है. वुड से वो आपको लोग दिखाएं ना दिखाएं, उस सपने पे धूल पड़ चुकी हो, उस सपने को तोड़ दिया गया हो या छुपा लिया गया हो, सपना हर दिल के अंदर होता है. एंड हम तो मिलियन ट्रिलियन लोग हैं, जस्ट इमेजिन कितने सपने जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं जिनको शायद किसी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे आसपास. एंड मेरे आसपास ऐसी बहुत सारी फीमेल फिगर हैं, मैं उनमें से कुछ एक का नाम तो मेंशन कर ही सकती हूँ. बानी माय फ्रेंड, बोंगो यूनिकॉर्न के नाम से उनका चैनल है. शी इज़ एन आयरन वुमन, आई वुड से शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग. आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन अ फीमेल फिगर मेरी लाइफ में मेरी मदर के बाद के अलावा जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. कैप्टन शताब्दी चैटर्जी जो मेरी दीदी हैं, शी इज़ अ पायलट, फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम कोलकाता.
प्रेरणा छाबड़ा, शी इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग. वो यूट्यूबर हैं, 100K क्रॉस कर चुके हैं, एक्चुअली 170K क्रॉस कर चुकी हैं. सी मेरे केस में इट्स माई मदर एंड शी रियली इंस्पायर्स मी. मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं इस ज़िंदगी में, मैंने हमेशा अपनी इंस्पिरेशन में अपनी मदर का नाम लिया है. एंड देर आर हार्डली एनी इंटरव्यूज जो मैंने नहीं क्रैक किए. आई होप इस स्टोरी ने आपको भी थोड़ा बहुत इंस्पायर किया हो अपने सपनों की तरफ एक और पहल करने को. जितनी भी फीमेल मेरी फ्रेंड्स, जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे. जस्ट ट्रीट योर वुमेन राइट. उनको कुछ खरीद के ला के देने की बजाय ना, उनको इनेबल, उनको कैपेबल बना दो. बस ये ज़रूरत है, ठीक है. एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए उनको, जितना कि उनको कैपेबिलिटी चाहिए. मुझे लगता है, मैंने अभी कहीं रिसेंटली पढ़ा था कि अनफुलफिल्ड पोटेंशियल कैन बी अ रियल पेन. तो वो जो पोटेंशियल है ना, जो फुलफिल हो सकती है उनकी, उसको अचीव करने में जितना हो सके उतना करना चाहिए हम लोगों को. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड थैंक यू टू आर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड कम फॉरवर्ड एंड मुझे अपनी मदर की स्टोरी शेयर करनी चाहिए. अंडर द हैशटैग शी इंस्पायर्स अस, वो मुझे इंस्पायर करती हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर देर आर 1000 अदर्स जो आपको इंस्पायर करती होंगी. आई विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे. बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स. आई नो आप में से बहुत से लोगों को शायद इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं लगेगा, शायद ये वीडियो आउट ऑफ द प्लेस लगेगी, शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं लगेगी. मेरी वीडियो पे 100 व्यूज़ आते हैं, तो 100 में से कम एक पर्सन को इस स्टोरी को सुन के कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगेगी. एंड बस वही मकसद है इस वीडियो का. आई होप जो लोग भी स्टोरी को सुने, वो कभी लड़कियों को पढ़ाने से पीछे ना हटें और ना ही उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने से. और ये सिर्फ बेटियों की बात नहीं है, ये आपकी वाइफ की भी बात है, ये आपकी गर्लफ्रेंड की बात है, ये आपकी बहन की भी बात है, या आपकी पड़ोसी की बात है. आप जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, जितनी वुमेन आपके ऑल अराउंड है उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं टू एक्चुअली स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, उतना बढ़िया. तो प्लीज़ आप भी इसको शेयर करो अपने ऑल अराउंड.